इस समय हरियाणा प्रदेश जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने 10th और प्लस टू का जो परीक्षा परिणाम है उसको जारी कर दिया है। हर बार की तरह हमने इससे पूर्व भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी जो रिजल्ट के बारे में हमने बातचीत की थी। आज हम पुनः पहुंचे हैं गांव जमाल के सर छोटराम स्कूल के अंदर। इनका इस बार का जो वार्षिक परिणाम है वो भी बहुत अच्छा रहा है। पूरी बातें जानने के लिए हमारे साथ जो विद्यालय के प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, विनोद जी खोत हमारे साथ है, और इनका जो परीक्षा परिणाम है वो काफ़ी अच्छा रहा है, सारी बातें उनसे हम जानते हैं। सर जी, सबसे पहले आपको रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी सुदेश जी, आपका विद्यालय के अंदर स्वागत है। सर, इस बार का जो रिजल्ट है विद्यालय का वो क्या रहा है, कैसा रहा? इस बार जो पिछले दिनों प्लस टू का रिजल्ट आउट हुआ था उसमें टोटल 20 लड़कियां थी अपने पास जी, उनमें से 18 बच्चे मेरिट से पास आउट हैं जी। जो टॉपर बच्ची है मोनिका डॉटर ऑफ सुभाष, उसने 489 अंक लेकर के जिले में छठा स्थान व ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जी। अधिकतर बच्चे मेरिट से पास आउट हैं जी। टेंथ का जो इसी के साथ जो टेंथ का रिजल्ट रहा उसमें 79 बच्चों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 45 स्टूडेंट्स मेरिट से पास आउट हैं, 19 स्टूडेंट अबो 90 जी। सर, लगातार आप अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, पीछे भी आपका डिस्ट्रिक्ट बच्चा एक बार टॉपर रहा था, हर बार कहीं ना कहीं आप ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में आपके बच्चे हैं जो पोजीशन बना रहे हैं। सर, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसी मेहनत है, आप किसको मतलब ये श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, रिजल्ट या सिस्टम बनाने के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ता है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। बिल्कुल, बच्चे का, बच्चे के पेरेंट्स का, स्कूल स्टाफ का, स्कूल मैनेजमेंट का। एक बच्चे को तैयार करने के लिए एक पौधे के ऊपर जिस प्रकार उसका बीज, उसकी भूमि, उसका एनवायरनमेंट, उसको देखभाल करने वाला, तो इसी तरह बच्चे को तैयार करने के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अकेला मैनेजमेंट नहीं कर सकता जी, अकेला बच्चा नहीं कर सकता, अकेले अभिभावक नहीं कर सकते, सबका संतुलन जी होगा तो ही होगा। तो सभी के सहयोग से ही ये जो परिणाम हम दे रहे हैं, यह संस्था जो पनप रही है, वो क्षेत्रवासियों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे बच्चे हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हो सकता है जी। जो आपका स्टाफ है वो लगातार ऐसी मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हुए स्टाफ ने भी अच्छी मेहनत करवाई, उन्होंने बच्चों को कवर अप किया है और उन्हें पता भी था भी ये बच्चा मेरिट ले सकता है, उसके ऊपर क्या विशेष मेहनत की गई या सभी बच्चों पर एक बराबर मेहनत? इक्वल जी, हमारी स्कूल का ये सिस्टम है कि हम नर्सरी के बच्चे को इतना ही एवरेज देते हैं जितना 10th क्लास के को देते हैं या प्लस टू क्लास को देते हैं। सारी क्लासें एक जैसी होती है, पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता जी। क्योंकि जब जैसे हम गेहूं की फसल बोते हैं तो बिजाई के समय से ही मेहनत करते हैं तो जाके वो फसल है वो फल देती है। ये नहीं कि 10th क्लास में आके हमने दबाव दे दिया, नीचे बच्चों की गौर नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है जी। नॉर्मली मतलब हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, स्टार्टिंग से उसको तैयार किया जाता है तो जाके वो परिणाम देता है जी। जो मोनिका आपके विद्यालय की टॉपर बच्ची है, डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोजीशन है, उसको किसी प्रकार के एक्स्ट्रा ट्यूशन दी गई थी? नहीं, हमारे स्कूल का कोई बच्चा बाहर ट्यूशन नहीं जाता जी, केवल हम क्लास में ही करवाते हैं जी। जैसे बोर्ड क्लासेज हैं उनकी चलो एक्स्ट्रा क्लास हम लगाते हैं, जैसे संडे को लगाते हैं या स्कूल टाइम से पहले लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, वो ही हम देते हैं, और बाहर की कोई हेल्प नहीं लेते हम किसी तरह जी। मोनिका जो बच्ची है उसके परिवार जो है वो सुनने में एक बहुत गरीब परिवार से बच्ची है। नॉर्मल परिवार से हैं वो, एक ऐसी कैंडिडेट है और उसके पिताजी हैं, वो साइड टेंट की दुकान करते हैं जी, और वो गुड़िया 10th के अंदर भी मेरिटोरियस रही है, उसको लैपटॉप मिला है 10th क्लास में भी, 10th अपने यहाँ से पास है जी। तो इस समय जो कुछ बच्चों के रिजल्ट कम आए हैं नंबर, एरिया के जो काफ़ी बच्चे जो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो निराश हो जाते हैं इतने कम अंकों को लेकर, उनके लिए आप क्या मोटिवेट शब्द कहना चाहेंगे, क्या उनको आप अपना मशवरा देना चाहेंगे? ऐसे है ना भाई, जो ठोकर लगे तो उसे सीख लेनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई नहीं, एक बारी अगर बच्चा किसी कारणवश से फेल हो गया, घर की स्थिति थी या बच्चे ने खुद ने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोबारा ऐसे डबल जोश से अगर लगे तो फेलियर बच्चा भी दोबारा मेरिटोरियस हो सकता है जी। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। तो विनोद जी ने बताया कि जो बच्चे जिनके कम अंक आए हैं वो प्लीज़ नाराज़ ना हो, क्योंकि आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। कैमरा सहयोगी सोनलाल के साथ सुदेश पुनिया, धरातल न्यूज़।